क्या होगा अगर आपको सर्वाइव करना पड़े एक ऐसे वर्ल्ड में जो पूरा का पूरा फ्लैट है और जहाँ पे रिसोर्सर के नाम पे सिर्फ एक विलेज ही है और वर्ल्ड फ्लैट होने की वजह से यहाँ पे बहुत ही खतरनाक मॉब स्पॉन होते हैं, तो क्या आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे? तो इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं पूरे का पूरे 100 सर्वाइव वो भी एक फ्लैट वर्ल्ड में। और ऐसा वैसा कोई फ्लैट वर्ल्ड नहीं है, पूरे का पूरा डायमंड का फ्लैट वर्ल्ड है। तो क्या ऐसे वर्ल्ड में मैं 100 सर्वाइव कर पाऊंगा, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो डे वन के स्टार्टिंग में मुझे चारों तरफ सिर्फ डायमंड के ब्लॉक ही दिखाई दे रहे थे। मुझे पता था कि डायमंड के ब्लॉक को हम हाथ से नहीं तोड़ सकते, मतलब उसको हाथ से कलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन तब भी मैंने डायमंड को ब्लॉक को तोड़ा क्योंकि मुझे यार रहा नहीं जा रहा था मुझसे। फिर थोड़ा बहुत आगे जाने के बाद मुझे मिल जाता है यहाँ पे एक विलेज। तो इस विलेज के अंदर आके सबसे पहले मैं पेड़ काटना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिल जाती है बहुत सारी एबेल, तो इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और उसके वीट बना के मैं उसकी ब्रेड बना लेता हूँ। और अब खाने की कोई भी कमी नहीं होने वाली थी। फिर यहाँ पे हमको मिल जाते हैं गोलम भैया। तो ये वाले गोलम भैया बहुत ही शरीफ थे क्योंकि मैं इसको मार रहा था लेकिन वो वापस मुझको नहीं मार रहे थे। इसकी मदद से हमको टोटली 3 आयरन इंगेट मिल जाते हैं जिसकी मदद से हम बनाते हैं अपने लिए पिकेक्स आयरन की, ठीक है। उसके बाद अभी जब चला जाता डायमंड के ब्लॉक के ऊपर और यहाँ पे तोड़ते पहला डायमंड का ब्लॉक, ओ भाई साहब यहाँ पे हमको अनलिमिटेड डायमंड्स मिलने वाला था। तो यहाँ पे पहले दिन के एंड में ही हमने पूरे का पूरा डायमंड का आर्मर बना लिया था और साथ में डायमंड के टूल भी बना लिए थे। उसके बाद हम सीधा सो ही गए। दूसरे दिन की शुरुआत में हमने फिर से थोड़े बहुत हेबल तोड़े। यहाँ पे एक विलेजर अपने घर के ऊपर अटक गया था तो इसकी हम थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। हम यहाँ पे फिर से पेड़ काटना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमको चाहिए थोड़ी बहुत सैपलिंग क्योंकि यहाँ पे ट्री की बहुत ही कमी थी। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ थोड़े बहुत सैपलिंग्स क्योंकि आगे जाके हमको पेड़ की यानी कि वुड की बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है। मैं अपना घर इसी विलेज में बनाना चाहता था इसलिए रिसोर्स इकट्ठा करने के लिए मैं दूसरे विलेज ढूंढने के लिए चला जाता हूँ। बहुत देर तक चलने के बाद फाइनली यहाँ पे हमको विलेज मिल जाता है। तो यहाँ पे भी हमको मिल जाते हैं गोलम भैया, लेकिन ये वाला गोलम भैया उस वाले गोलम भैया से बहुत ही अलग थे क्योंकि ये हमको मार रहे थे लेकिन हम स्मार्ट थे। तो इस वाले गोलम की मदद से हमको टोटली 5 आयरन के इंगट मिल चुके थे। हम लकी थे क्योंकि इस विलेज के अंदर हमको मिल जाते हैं ब्लैक स्मिथ का घर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्नेस को कलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास स्टोन की भी कमी थी। उसके बाद हम जाते हैं इसके अंदर इसकी लूट चेक करते। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ब्रेड, एक चेस्ट प्लेट जो किसी की भी काम की नहीं थी लेकिन आयरन का इंगट काम का था, उसको हम उठा लेते। तो यहाँ पे हमको एक हॉर्स भी मिलता था लेकिन यह बहुत ही भूखा था शायद। तो यहाँ पे इस वाले विलेजर के कस्टम थोड़ी बहुत बुक को भी चुरा लेते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अपने लिए 2 बकेट, इसकी मदद से मैं भरता हूँ इस बकेट में लावा क्योंकि लावा आगे जाके बहुत ही काम आने वाला था। फिर मैंने इस वाले विलेज में लूट मचाई जिसका छोटा सा टाइम लैप्स ये रहा। उसके बाद मैं अपने विलेज में वापस लौट चुका था। तो यहाँ आके मैंने फिर से एक डायमंड का आर्मर बनाया क्योंकि वो वाला आर्मर मैं विलेजर को गिफ्ट में देके आ गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारे लगा दिए ट्री के सैपलिंग क्योंकि मुझको अपना घर वुड का बनाना था। पूरे 2 दिन वेट करने के बाद फाइनली यहाँ पे हमारे ट्री ग्रो हो चुके थे, तो इसको मैंने काटना स्टार्ट कर दिया। वाला वर्ल्ड फ्लैट था इसलिए यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हो रहे थे, वो भी खतरनाक वाले क्रीपर जैसे मॉब्स। यहाँ पे जो मैंने पेड़ काटे थे उसकी सैपलिंग गिरने लग गई थी इसलिए मैंने उसके बाद ढेर सारे सैपलिंग को कलेक्ट किया। फिर यहाँ पे मैंने एक रास्ता बनाना स्टार्ट किया जो विलेज से सीधा मेरे घर को कनेक्ट करे। अब मैं अपना घर का काम स्टार्ट करने वाला था इसलिए मैंने सामान मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने स्टोन को बनाने के लिए फर्नेस में कॉबल स्टोन को डाल दिया था क्योंकि उसके मदद से मैं स्टोन ब्रिक्स भी बना सकता था। उसके बाद मैंने अपने घर को बनाना स्टार्ट कर दिया।
जहाँ पे हमने अपने घर को थोड़ा बहुत डेकोरेट करने के लिए ट्री के लिए उस लगाई। घर कंप्लीट होने के बाद मेरे ट्री भी ग्रो हो चुके थे, इसलिए मैंने उसको काटना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने ट्री फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मेरे सारे ट्री ग्रो हो चुके थे और मेरा ट्री फार्म बहुत ही कमाल का लग रहा था। और उसके बाद मैं अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया और थोड़ा बहुत आगे जाने के बाद मुझे एक रिंग पोर्टल मिल जाता तो उसके अंदर मैं घुस जाता हूँ। उसके बाद मैं सारी लूट को कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं सारा ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लेता हूँ। बहुत दिनों के बाद फिर से मैं अपने घर लौट चुका था। उसके बाद मैं नेदर पोर्टल का वर्क स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं नेदर में जाने के लिए निकल जाता हूँ सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरा स्पॉन पॉइंट कैसा है। तो यहाँ पे मुझे स्पॉन तो थोड़ी बहुत अच्छी जगह पे किया है। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत कोर्ट्स माइन करता हूँ और थोड़ी बहुत एक्सपी भी कलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं फिर से अपने घर को आ जाता हूँ। उसके बाद मैं अपने नेदर पोर्टल को थोड़ा बहुत और सजा देता हूँ और पूरे 50 दिनों के बाद हमारा वर्ल्ड कुछ ऐसा दिख रहा था। तो यार इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। और बाकी के 50 दिन हम अगले वीडियो में बिताएंगे। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।